प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइन्स क्षेत्र में एक फैशन डिजाइनर और मॉडल मुस्कान का शव बेडरूम में फांसी के फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक दिन पहले मुस्कान नारंग ने इंस्टाग्राम पर वीडियो भी पोस्ट किया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार थाना सिविल लाइन्स इलाके के रामगंगा विहार कॉलोनी में रहने वाली 25 साल की मुस्कान नारंग ने देहरादून से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। इसके बाद वह मुंबई में फैशन डिजाइनिंग की जॉब कर रही थी। मुस्कान होली पर अपने घर आई थी, तब से यहीं पर थी। फैशन डिजाइनर व मॉडल मुस्कान नारंग ने मौत से एक दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। मुस्कान नारंग ने वीडियो की शुरुआत ऐसे की जैसे कि उसका आखिरी वीडियो हो। वीडियो की शुरुआत में मुस्कान ने कहा कि तो आज ये मेरी आखिरी वीडियो होगी, इसके बाद आप मुझे नहीं देख पाएंगे। लोग बोलते हैं लाइफ में अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, शेयर करने से सब ठीक हो जाता है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुस्कान ने वीडियो में आगे कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, सबको समझाने की कोशिश की, बहनों को, पेरेंट्स को, दोस्तों को, लेकिन सब उल्टा मुझे समझाते हैं। ये जो आज मैं कर रही हूँ सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी और का, तो प्लीज़ किसी और को ब्लेम ना करें मेरे जाने के बाद। लोग बोलते हैं तुम्हारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इतना बोलने के बाद मुस्कान ने पूरी बात को घुमा दिया और मजाकिया मूड में वीडियो को खत्म किया। मुस्कान नारंग के परिवार में 3 बहनें, 1 भाई और माता पिता हैं। इसमें मुस्कान सबसे बड़ी थी। मुस्कान के पिता डिस्पोजेबल क्रॉकरी के कारोबारी हैं। मुस्कान की मौत के बाद परिवार सदमे में है और कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। हाय गाइस, तो आज ये मेरी आखिरी वीडियो होगी, इसके बाद शायद आप लोग मुझे कभी देख ना पाएं। लोग बोलते हैं लाइफ में कि अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, शेयर करने से सब सही हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। मैंने बहुत कोशिश करी, सबको समझाने की कोशिश करी है, बहनों को, पेरेंट्स को, दोस्तों को, लेकिन सब उल्टा मुझे समझाने लगे। और ये जो आज मैं कर रही हूँ ना, सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी और का इसमें, तो आप प्लीज़ किसी और को ब्लेम ना करें मेरे जाने के बाद। मतलब लोग बोलते हैं तुम में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम में ये नहीं है, तुम में वो नहीं है। बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है यार मुझ में, बहुत ज़्यादा। आज निकल गई हूँ इसलिए चाबी लेके, बहुत समझाया सबको, चला लूँगी गाड़ी, चला लूँगी गाड़ी, कोई नहीं मानता, सील बेल्ट लगा ली है और चाबी लगा रही ब्यूरो रिपोर्ट, वीरी टीवी, उत्तर प्रदेश।